संयोग की कड़ी ऐसी होती है जब अभियान छेड़ते हैं और स्वच्छता और सफाई की बात की जाए और किसी नगर पंचायत को सुंदर बनाने की बात की जाए तो बिना वार्ड के सहयोग से कभी भी वो सुंदर नहीं हो सकता है। कभी भी नगर अध्यक्ष हो या नगर उपाध्यक्ष हो, जब तक वार्ड पार्षद का सपोर्ट नहीं मिलेगा वो सुंदरता और स्वच्छता आदर्श स्मार्ट पंचायत बनाने में असक्षम रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कड़ी में एक कड़ी और जुड़ने जा रही है। मैं आपको बताऊँ, बैजनाथ प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं, उर्फ भालू जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य हैं और इन्होंने काफ़ी गंभीरता से अपने वार्ड को सुंदर बनाने में, अपने इस वार्ड को स्मार्ट बनाने में लगे हुए हैं काफ़ी गंभीरता से। इसके पूर्व भी ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं और एक सुंदर कड़ी के साथ अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सपोर्ट करते हुए और अपने इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाने में लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं भालू जी से, ये क्या बताना चाहेंगे, सात निश्चय योजना पर ये क्या प्रकाश डालना चाहेंगे और भी बहुत सारी बातें उनसे भी करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे समृद्धि न्यूज चैनल में स्वागत है और सबसे सुंदर बात यह है कि आपको लोग जानते हैं चूँकि आप भोजपुरी में ज़्यादा विख्यात है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप भोजपुरी में ही सात निश्चय योजना के बारे में बताएं ताकि तमाम जितने भी आपके वार्ड के लोग हैं वो देखे जाने और भी बहुत सारे तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी देख रहे हैं और बहुत सारी जनता भी आपको देख रही है। तो मैं जानना चाहूँगा भालू जी कि आपके अनुसार ये जो सात निश्चय योजना है ये कैसी योजना है? देखिए रोज बतावा मैंने प्रेस रिपोर्ट सा है कि 20 बरिश से गहिरा भैल बा। अब एकरा के हमने के नगर अध्यक्ष साफ सुथरा में लागल बने आ गहिरा भरे में समय लागी एमें दुमत देंगे। रह गए सात निश्चय के, तो मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया हमने के सात निश्चय देले बने जौना में नल जल के काम नगर पंचायत में खूब सुंदर से होता आ नगर अध्यक्ष जो हमने के बने एक मॉनिटरी करते हैं। रह गए बात कि देखे के लागे कितना सक्सेस होता, लेकिन हमारा तो ये बुझाता कि जितना हिसाब से नगर अध्यक्ष लागल बने आए वाला 5 वर्ष भीतर भी रत्न लोग याद रखी बिहिया बाजार के कि कितना सुंदर आ कितना मैंने लोग बड़ाई के करही के बाद ऐसे करे के बाद कि नगर अध्यक्ष हमनी के लागल रहे सगरे। बहुत बढ़िया भालू जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने इस सात निश्चय योजना को लिया, अच्छा कंसेप्ट है और नगर अध्यक्ष की अपने प्रशंसा किया, काफ़ी सराहनीय है। जानना चाहेंगे हम कि ये जो नली जल नल हर घर में नल का जल और ये नली गली पक्कीकरण, ये दोनों में यदि आप प्राथमिकता देना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दें? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है नली गली। नली गली एकदम जरूरी काम है। अभी वार्ड नंबर 13 में ओवर ब्रिज से भोला सिंह के घर तक नली और रोड दोनों पीसीसी हो रहा है, आधा काम हो गया आधा बाकी है, फिर ई टेंडरिंग के माध्यम से वहाँ जाएगा काम होगा। और रह गई बात वार्ड नंबर 13 की, तो हम वादा करते हैं कि 5 वर्ष में कोई काम वार्ड नंबर 13 में नहीं रह जाएगी। बहुत सुंदर वादा, बहुत अच्छा। इतनी अच्छी योजना के साथ, इतने सफल मोटिवेशन के साथ और इतने एग्रेसिव वार्ड पार्षद शायद आप पहली बार देखे होंगे जिन्होंने नगर अध्यक्ष की प्रशंसा, नगर उपाध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए अपने इस वार्ड को स्मार्ट बनाने का वादा इस ढंग से कर रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं जैसे कि वाकई एक विश्वास, जनता का विश्वास अपने दिल में समाये बैसे हैं। और ये पूर्व भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, एक वार्ड पार्षद होने के नाते पूरे 5 साल में अपने जनता की सारी परेशानियों को विश्वास के साथ खत्म करने का इन्होंने वादा किया। बहुत अच्छा लगा, सराहनीय कदम है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन राजा के साथ, थैंक यू।